यह एचकेएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय चार। यह एचकेएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय चार। और हे मनुष्य के संतान, तू एक ईट लेकर उसे अपने सामने रखकर उस पर एक नगर अर्थात यरूशलेम का चित्र खींच, तब उसे घेर अर्थात उसके विरुद्ध किला बना और उसके सामने दमदमा बांध और छावनी डाल और उसके चारों ओर युद्ध के यंत्र लगा। तब तू लोहे की थाली लेकर उसको लोहे की शहरपनाह मानकर अपने और उस नगर के बीच खड़ा कर, तब अपना मुंह उसके सामने करके उसे घेर दे। इस रीति से तू उसे घेर रखना, यह इसराइल के घराने के लिए चिन्ह ठहरेगा। फिर तू अपने बाएं पांजर के बल लेटकर इसराइल के घराने का अधर्म अपने ऊपर उठा रख, क्योंकि जितने दिन तू उस पांजर के बल लेटा रहेगा उतने दिन तक उन लोगों के अधर्म का भार सहता रहा। मैंने उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य तेरे दिन ठहराए हैं, अर्थात 390 दिन। उतने दिन तक तू इसराइल के घराने के अधर्म का भार सहता रहा, और जब इतने दिन पूरे हो जाए तब अपने दाहिने पांजर के बल लेटकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए एक वर्ष की संति एक दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं, और तू यरूशलेम के घराने के लिए बाहर उघाड़े हुए अपना मुंह उधर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी करना। और देख, मैं तुझे रस्सियों से जकड़ूंगा और जब तक उसके घेरने के दिन पूरे न हो तब तक तू करवट न ले सकेगा। और तू गेहूं, जव, सेम, मसूर, बाजरा और कठिया गेहूं लेकर एक बासन में रखकर उनसे रोटी बनाया करना। जितने दिन तक तू अपने पांजर के बल लेटा रहेगा उतने अर्थात 390 दिन तक उसे खाया करना, और जो भोजन तू खाए उसे तौल तौल कर खाना, अर्थात प्रतिदिन 20-20 शेकेल भर खाया करना और उसे समय समय पर खाना। पानी भी तू माप कर पिया करना, अर्थात प्रतिदिन हीन का छठवां अंश पीना और उसको समय समय पर पीना, और अपना भोजन जव की रोटियों की नाई बनाकर खाया करना और उनको मनुष्य की विष्ठा से उनके देखते बनाया करना। फिर यहोवा ने कहा, इसी प्रकार से इसराइल उन जातियों के बीच अपनी अपनी रोटी अशुद्धता से खाया करेंगे जहां मैं उसे बरबस पहुंचाऊंगा। तब मैंने कहा, हा यहोवा परमेश्वर, देख मेरा मन कभी अशुद्ध नहीं हुआ और न मैंने बचपन से लेकर अब तक अपनी मृत्यु से भर मरे हुए व फाड़े हुए पशु का मांस न खाया और न किसी प्रकार का घिनौना मांस मेरे मुंह में कभी गया है। तब उसने मुझसे कहा, देख मैंने तेरे लिए मनुष्य की विष्ठा की संति गोबर ठहराया है और उसी से तू अपनी रोटी बनाना। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, देख मैं यरूशलेम में अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा, सो वहां के लोग तौल तौल कर और चिंता कर करके रोटी खाया करेंगे और माप माप कर और विस्मित होकर पानी पिया करेंगे, और इससे उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी और वे सब के सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे।